आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बेलखरा रोड में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन मुक्ति मोर्चा, जन अधिकार पार्टी व AIMIM के संयुक्त रूप से शनिवार को लखनऊ में बनी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लेकर यहां के स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल व्याप्त है। सभी ने रविवार को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पक्ष में नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और पूरे प्रदेश के अंदर 403 सीटों पर बहुमत से अपनी विजय पाकर सरकार बनाने का भी दावा किया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र मौर्य, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष बेलखा रोड नंदा प्रसाद वर्मा, विधानसभा प्रभारी रमेश प्रसाद मौर्य, पूर्व प्रत्याशी रामलाल पासवान, विधानसभा उपाध्यक्ष मणिकांत वर्मा, सोनू वर्मा, AIMIM के जिला अध्यक्ष अमानुल हक अब्बासी, एडवोकेट, जिला महासचिव मायापति पांडे, जिला संगठन मंत्री अकबर उस्मानी, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मुजाहिद, महासचिव रईस अहमद व इशरत अली, सचिव यूनुस अंसारी, अकमल अहमद, सादाब अहमद, गयासुद्दीन खान, महमूद उस्मानी आदि लोग शामिल रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अब्दुल हमीद खान की रिपोर्ट। मैं अमानुल हक अब्बासी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चूंकि आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी और बहुजन मुक्ति मोर्चा का जो है कल गठबंधन हुआ, जिसके कन्वीनर जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, और हम लोगों का जो मोर्चा बना है थर्ड फ्रंट, जिसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो है उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो है हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो है बीजेपी के मध्य मुकाबिल रहेगा, और यह गठबंधन जो है 99% वर्सेज 1% का है, जिसमें 1% जो है संघ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।